उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल ने अधिकारियों के साथ एजेंडा वार विधिवत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लोग कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग एवं सेवा व्यापार आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक बड़ा कदम है और इससे दलितों का बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं व नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना, टेलरिंग शॉप योजना, बैंकिंग सुविधा प्रदाता योजना, स्वतः रोजगार योजना आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य समय से शत प्रतिशत पूर्ण किए जाएं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में कहा गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनसंख्या वाले चयनित गाँव का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी संरचना की व्यवस्था, पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें व आवास, विद्युत तथा स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण का कौशल विकास करना। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा, तो विजिट तो किया होगा आप लोगों ने, कुछ काम ऐसे हैं जिसको देख सकते हैं, कुछ ऐसे पूरी तरह से उसको एक आदर्श गांव के रूप में दिखाई पड़े कि हाँ तो उसमें कुछ काम। सर दिल्ली से सर विश्वास से आया था, मैं सुबह से बात किया था, गांव हमारा था जो उस समय टॉप पे चल रहा था, टॉप टू था वहाँ का। सर चूँकि सर्वे होता है हमारा लगभग 2 साल पहले का सर्वे, उसका आधार पे दिया जाता है, तो जो सर्वे के अनुसार हमने संतुष्ट कर दिया था, लेकिन ये कि इसमें 5 साल का इतना चल रहा था लगातार, हमको कुछ दिन में तैयार करके बताइए। अच्छा सर, हम आपको सर एक रिपोर्ट बना नहीं पाएगा, कहता फोटो सर से सर आप उस पर काम बता। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए इस सब, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत देते हैं इसमें। सर अब तक 3 महीने में 1,00,000 रुपये अच्छा, इसलिए मैंने सर 1,47,000 रुपये पूछे, उसके पहले सर लगभग लगभग 1.5 लाख रुपये थी। अच्छा, अभी वसूली करो सर, वसूली थोड़ा तेज करिए, क्योंकि वसूली करीब 6,000 के आसपास। जी सर, सर ये राशि सर की बहुत सारे अप्लीकेशन हमारे पास आती है, फॉरवर्ड करते हुए भेजा भी था जी मैडम को कि आप इस विचार देखिए भाई, वो मीटिंग में बात हुई थी इसकी करने की, नहीं ठीक है इसको करवाते हैं, केस को करवाते प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो नई योजना हमारी लागू की हुई है, गोरखपुर को हमने उपयुक्त समझा, पवित्र नगरी है और यहीं से इसकी घोषणा की जाए जिससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग इसे जान सकें और इसका लाभ ले सकें।